Okay, so I think you can This see the call PPT is now here. being recorded. I hope you can see the PPT here. So let me start this chapter. The name of chapter is balancing. Okay, so let us proceed. This is the syllabus. First of all, let us understand the syllabus here. The chapter balancing consists of two parts. The first part is balancing of rotating masses. Rotating masses. The second part is balancing of reciprocating masses. Okay, do part mein divided hai, we are going to cover both of them. Now let me proceed further. The first topic that we are going to start today is balancing of rotating masses. Rotating masses ka balancing karenge, theek hai. Now see here, whenever a certain mass is attached to a rotating shaft, it exerts some centrifugal force whose effect is to bend the shaft and produce vibration in it. For example, आपके पास एक शाफ्ट है लाइक दिस, इसमें आपने एक मास यहां ऐसे अटैच कर दिया, दिस इज मास. नाउ ये शाफ्ट को आप रोटेट कर रहे हैं, यू आर रोटेटिंग दिस शाफ्ट, तो ये मास भी क्या होगा, ये मास भी रोटेट होगा, सिंपल है. नाउ व्हेन दिस मास स्टार्ट्स टू रोटेट, व्हाट विल हैपन, ही विल ऑब्जर्व, ही विल गेट सम सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पे सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लगेगा विच विल एक्ट रेडियली आउटवर्ड. सो ये सेंट्रिफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, ये सेंट्रिफ्यूगल फोर्स विल ट्राई टू मूव दिस मास अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. और जब ये मास को बाहर की तरफ खींचेगा तो क्या होगा, दिस शाफ्ट विल बेंड लाइक दिस, ये शाफ्ट ऐसे बेंड होगी, इट इज क्वाइट सिंपल. नाउ व्हेन दिस मास इज रोटेटिंग, तो ये बेंडिंग भी क्या होगा, ये बेंडिंग भी रोटेट होगा, तो ये शाफ्ट कंप्लीटली बेंड होते जाएगी. जितना ज्यादा फोर्स इंक्रीज होगा उतना ज्यादा ये बेंडिंग होगा. द इफेक्ट इज क्वाइट सिंपल. उम्मीद करता हूं आपको ये क्या बोल रहा हूं मैं आपको समझ में आ गया होगा. सो बैलेंसिंग हम यहाँ कर रहे हैं रोटेटिंग शाफ्ट का, ठीक है, जिसमें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है. ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द शाफ्ट इज बेंडिंग, और बेंड होने के कारण उसमें वाइब्रेशंस आ रहे हैं. ठीक है, नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ सी, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लेट मी गो बैक टू दैट केस. सी हियर, दिस इज योर शाफ्ट, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, एंड ये आपकी शाफ्ट है. लेट मी राइट इट हियर, जिसको समझ में नहीं आएगा देख लीजिएगा. दिस इज योर शाफ्ट, ये शाफ्ट रोटेट कर रही है लाइक दिस, इट इज रोटेटिंग. ठीक है, इस शाफ्ट में हमने एक मास ऐसे लगा दिया, सपोज दिस इज अ मास, मास है सपोज एम विच इज 1 kg. ठीक है, नाउ ये जो मास है ये भी रोटेट करेगा. व्हेन दिस मास रोटेट्स देयर इज गोइंग टू बी सम अनबैलेंस फोर्सेस, जब अनबैलेंस फोर्सेस क्रिएट होंगे तो क्या होगा, दिस शाफ्ट विल ट्राई टू बेंड, ये शाफ्ट क्या होगी, बेंड हो जाएगी, समथिंग लाइक दिस. शाफ्ट बेंड हो गई, वाइब्रेशन हुआ. अगर मैं चाहता हूं कि शाफ्ट बेंड ना हो, इफ आई वॉन्ट दिस टू बी बैलेंस्ड, तो मुझे यहाँ पे सारे फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ेगा. दैट मीन्स एज ऑफ नाउ वी हैव एन अनबैलेंस फोर्स हियर, सिर्फ एक ही फोर्स है, तो मुझे उसके ऑपोजिट में दूसरा लगाना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो इसी मैग्नीट्यूड का मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये शाफ्ट जो है वो बैलेंस रहे, ये वाइब्रेट ना हो, ये बेंड ना हो. मैं क्या बोल रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे. ठीक है, सो हमने ये मास को बैलेंस करने के लिए, ये अनबैलेंस था, ये अनबैलेंस मास था, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए हमने एक बैलेंसिंग मास यहाँ लगाया. दिस इज बैलेंसिंग मास, क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सी हियर, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अनदर मास इज अटैच्ड टू ऑपोजिट साइड ऑफ द शाफ्ट. सिंपल सी बात है, अगर एक ऊपर है, ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो बैलेंस करने के लिए नीचे लगाएंगे, है ना, सो वही है. एंड एट अ सच अ पोजिशन सो एज टू बैलेंस द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द फर्स्ट मास, ऐसी पोजिशन में लगाना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाए बैलेंस करके. ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा. नाउ दिस इज डन इन सच अ वे दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज ऑफ बोथ द मासेज आर मेड टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट.
एक का सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ऊपर लगेगा तो दूसरे का सेंट्रिफ्यूगल फोर्स नीचे लगेगा, एंड बोथ शुड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट दे शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तभी तो ये बैलेंस होगा. ठीक है. नाउ द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सेकेंड मास इन ऑर्डर टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ऑफ द फर्स्ट मास इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस. ठीक है. पता नहीं इधर दिख नहीं रहा. ओके सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. कोई भी अगर आपसे पूछे इसके बाद व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस, बैलेंसिंग का डेफिनेशन पूछे अगर क्या होता है. सो बैलेंसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सेकेंड मास इन ऑर्डर टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ऑफ द फर्स्ट मास. पहले मास के कारण जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स हो रहा था उसको काउंटरैक्ट करने के लिए दूसरा मास लगाने का प्रोसेस बैलेंसिंग होता है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ आपके पास ये चार केसेस है जो हम पढ़ेंगे. These are the four important cases that you have to learn here. The first case is balancing of single rotating mass by single mass rotating in the same plane. Second case is balancing of single rotating mass by two masses rotating in different plane. Uske baad balancing of different mass same plane, fir balancing of different mass different plane. Ab ye cases hai kya? Main ek bar Hindi mein samjhaunga, aap easily samajh jayenge. Dekhiye, in the first case हम बैलेंस कर रहे हैं किसको, एक रोटेटिंग मास को. किससे बैलेंस कर रहे हैं? एक सिंगल मास से. एक सिंगल मास को एक सिंगल मास से बैलेंस कर रहे हैं, जो कि हमने थोड़ी देर पहले केस दिखा था, जो कि सेम प्लेन में है. ठीक है. दूसरा केस क्या है? एक सिंगल मास को दो मास से बैलेंस कर रहे हैं. ठीक है. एंड दैट टू इन डिफरेंट प्लेन. ये सेकेंड केस है. थर्ड केस क्या है? बहुत सारे मासेज है जो अलग अलग रोटेट कर रहे हैं लेकिन रोटेशन हो रहा है सेम प्लेन में, उनको बैलेंस करना है. फोर्थ केस है, बहुत सारे मासेज है विच आर रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन, उनको बैलेंस करना है. तो वी हैव फोर केसेस हियर. उम्मीद करता हूँ ये फोर केस कैसे डिफरेंशिएट है, अलग अलग है, आपको ये क्लियर हो रहा होगा. ठीक है. नाउ लेट मी प्रोसीड टू फर्दर. व्हाट इज द फर्स्ट केस? द फर्स्ट केस वॉज बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास by a single mass rotating in same plane. ध्यान से समझिए, ये एक plane है. This is a plane. कौन सा plane है? Let us say this is XY plane. इसमें ये एक axis है. यहाँ पे एक mass ऐसे है. ठीक है. ये mass इस axis पे है. Suppose ये shaft है और ये shaft rotate कर रही है like this. जब ये shaft rotate करेगी तो ये mass भी क्या होगा? ये भी rotate करेगा. इस पे centrifugal force लगेगा फिर बाहर की तरफ. द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी एफ सी, जो कि होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर. एम जो है इसका मास है, ओमेगा जो है इसकी एंगुलर वेलोसिटी है जिससे ये रोटेट कर रहा है, आर जो है वो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस. दिस इज आर. उम्मीद करता हूं ये क्या है आपको क्लियर हो रहा होगा. इसको मैं बैलेंस कर रहा हूं, ये सिंगल रोटेटिंग मास है, इसको बैलेंस करना है एक सिंगल मास से ही. तो कैसे बैलेंस करेंगे? हमने देखा था ऑलरेडी. इसको बैलेंस करने के लिए मैं सेम मतलब सेम एक्सिस पे ऐसे एक दूसरा मास लगा दूंगा लाइक दिस. ठीक है. ताकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो वो अल्टीमेटली ऊपर वाले के इक्वल हो. ठीक है. लेकिन डायरेक्शन क्या हो? ऑपोजिट हो. देखिए ये ऊपर लग रहा था, ये नीचे लग रहा है. दोनों अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लिए है. So this is the case. It is very simple. Now let me show you. ये देखिए डायग्राम. उम्मीद करता हूँ आपको डायग्राम दिख रहा होगा. Now in this diagram, this is the first mass, mass M1. This is the second mass, mass M2. Okay. Now let us say this distance here is R1. This distance here is R2. And this mass is rotating with angular velocity omega. ये mass angular velocity omega से rotate कर रहा है. Now ये चीज मैंने आपको बता दी है. देखिए यहां पे वही लिखा हुआ है, M1 is the disturbing mass. ये M1 है, इसको disturbing mass बोल रहे हैं because इसको balance करना है. ठीक है. ये एक shaft से attach है, rotating at omega radian per second. R1 is the radius. ठीक. centrifugal force क्या होगा फिर उसके लिए? वो होगा FC1. पहला मास है ना, इसलिए FC1. formula क्या होता है? formula होता है M omega square R. mass 1 है तो M1 हो गया. ओमेगा तो सेम ही रहेगा, चाहे आप ऊपर वाले को घुमाइए चाहे आप नीचे वाले को घुमाइए, दोनों तो एक ही शाफ्ट में लगे हैं ना.
शाफ्ट जिस एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगी उसी एंगुलर वेलोसिटी से दोनों मास रोटेट करेंगे, तो ओमेगा तो हमेशा सेम रहेगा। आर आर इज द रेडियस, ठीक है, रेडियस मतलब ये डिस्टेंस, यहाँ पे बॉल के सेंटर का एक्सेस डिस्टेंस, विच इज आर वन इन दिस केस। सो उम्मीद करता हूँ ये कैसा है सेंट्रिफ्यूगल फोर्स आपको क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट सी हियर, दिस सेंट्रिफ्यूगल फोर्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड। ये सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ऐसे लगेगी बाहर, रेडियली आउटवर्ड, एंड थर्स प्रोड्यूसेस बेंडिंग मोमेंट ऑन द शाफ्ट। ये जो शाफ्ट है उसको क्या करेगी, ये बेंड करेगी ऐसे, क्लियर है ना। नाउ सी हियर, इन ऑर्डर टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स, ये इफेक्ट को काउंटरैक्ट करने के लिए वी प्रोवाइड अ बैलेंसिंग मास एम टू विच इज अटैच लाइक दिस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस मास एम टू इट मे बी सेम और डिफरेंट फ्रॉम द, हाँ 19, सो दिस मास मे बी इक्वल और डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट मास। सपोज पहला मास एम वन था, सेकेंड मास इज एम टू, हो सकता है ये दोनों इक्वल हो सकता है ये दोनों अलग अलग हो, दे मे बी चांसेस, दोनों के लिए हम देखेंगे, ठीक है। या वो ही लिखा हुआ है साफ साफ, बट इंपॉर्टेंट क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स जो भी हो, इसका सेंट्रिफ्यूगल फोर्स और इसका सेंट्रिफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल होना चाहिए एनी हाउ, तभी बैलेंसिंग होगा। मास भले अलग हो तो भी चलेगा, रेडियस भले अलग हो तो भी चलेगा, लेकिन सेंट्रिफ्यूगल फोर्स जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है। सर, नाउ हाँ सर जी, एम वन और एम टू है सर, 180 डिग्री पे है ना सर? हाँ जी, 180 मतलब हम लोग इसको ऐसे रखेंगे कि एकदम अपोजिट हो, मतलब एक अगर ऊपर है तो उसके जस्ट अपोजिट नीचे होगा, बोल सकते हैं आपकी 180 डिग्री एंगल है। सर अगर शाफ्ट घूमना स्टार्ट करेगा सर, तो फिर M1 की जगह M2 चला जाएगा, M2 की जगह M1 आ जाएगा। नहीं, देखिए सपोज ये एक शाफ्ट है, दिस इज अ शाफ्ट, ठीक है, इसमें मैंने यहां से ऐसे एक मास वेल्डिंग किया है, यहां पे वेल्डिंग है, ठीक है, ये मास है M1, ठीक है, शाफ्ट घूमेगा तो ये मास भी घूमेगा। नाउ ये मास घूमेगा तो अनबैलेंस होगा, अनबैलेंस क्यों होगा, क्योंकि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में ही, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक वेल्डिंग कर दूंगा दूसरा मास ऐसे, या मैंने वेल्डिंग कर दिया सपोज, या अटैच कर दिया दूसरा मास M2, ठीक है, तो जब ये M1 30 डिग्री मूव करेगा, सपोज ये 30 डिग्री मूव किया यहां आ गया, तो M2 भी 30 डिग्री मूव करके यहां आ जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमेशा ये अपोजिट भी रहेंगे, क्लियर है। यस सर। ओके हाँ सर, हाँ सर जी, वो मेरे ख्याल से वो ये बोल रहा था कि हम लोग M1 और M2 को मतलब अनबैलेंस और बैलेंसिंग मास किसको बोलेंगे, क्योंकि देखिए अगर हम लोग ये जो यहां पे M1 है, इस केस में इसको बोला जा रहा है डिस्टर्बिंग मास, इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है। अब जिससे बैलेंस करना है वो ये है M2, यहां देखिए सर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि हम लोग को साफ क्वेश्चन में अनबैलेंसिंग गिवन मास होना रहेगा, है। क्वेश्चन में साफ साफ गिवन रहेगा कि किसको बैलेंस करना है, ठीक है, तो क्वेश्चन में यस आपको सर, ये डिस्टर्बिंग मास दिया रहेगा जिसको बैलेंस करना है, और जिससे बैलेंस करना है, जिसको हम बैलेंसिंग मास बोल रहे हैं, इसको आपको फाइंड करना रहेगा, ठीक है, इसका मास आपको पता लगाना रहेगा, इसका पोजीशन आपको पता लगाना रहेगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ सी हियर, जब ये बैलेंसिंग मास M2 ऐसे लगा दिया, तो इसमें भी क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड ये होगा M2 ओमेगा स्क्वायर R2, ठीक है। नाउ बैलेंसिंग के लिए क्या कंडीशन है, दोनों सेंट्रीफ्यूगल मास, दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आइए इसको इक्वल कर देते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे इक्वल कर दिया, दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वल कर दिया, वही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इक्वल किया, यहाँ से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, M1 R1 इक्वल्स टू M2 R2, दिस इज द कंडीशन। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, ये कंडीशन फुलफिल होती है, तो मतलब आपने जो बैलेंसिंग मास लगाया है वो ये मास को बैलेंस कर लेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, देन आपने जो मास लगाया है वो इसको बैलेंस नहीं कर पा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा ये क्या केस है। अब ध्यान से सुनिए क्या हो गया, मैं सपोज ये बोलता हूं M1 आपका 2 kg है, आपका रेडियस R1, ये जो डिस्टेंस है रेडियस आपका, सपोज सपोज मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ठीक है,
और मैंने आपको बोला है कि मैं कितना केजी मास बैलेंस करने के लिए लगाऊं। ध्यान से सुनिए, इसको बैलेंस करने के लिए, M1 को बैलेंस करने के लिए मैं कितना केजी मास लगाऊं एट अ डिस्टेंस ऑफ सपोज 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर में मैं कितना मास लगाऊंगा? तो आपको क्या निकालना है, M2 निकालना है, M1 पता है, R1 पता है, R2 पता है, ठीक है। आप इस फॉर्मूले में रखिए, यू नो द वैल्यू ऑफ M1, R1, R2 पता है, सिर्फ M2 निकालना है। यू कैन इजीली फाइंड द मास विच शुड बी प्लेस्ड हियर ताकि ये बैलेंस हो सके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे होगा, क्या ये क्लियर है? यस सर, 1.4। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द सेकेंड केस। टाइम है हमारे पास? यस, वी हैव 10 मिनट्स। द सेकेंड केस इज बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाय टू मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन। अब यहां सोचिए, एक सिंगल रोटेटिंग मास को, ऐसे एक सिंगल मास था, इसको दो मास से बैलेंस करना है। तो सिंगल था, पहले के केस में हमने ऐसे एक लगा दिया था, लेकिन इस केस में ऐसे नहीं लगा सकते क्योंकि दो मास लगाना है। तो दो मास कैसे लगेंगे, देखिए यहां पे दो मास कुछ ऐसे लगेंगे, ये वाले को बैलेंस करना है। दिस इज द डिस्टर्ब डिस्टर्ब मास, ठीक है, देख लेना ये डिस्टर्ब मास है। और इसको जिससे बैलेंस कर रहे हैं वो ये है, ये दोनों, ठीक है। तो आप देखिए क्या लिखा हुआ, टॉपिक क्या है, बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास। ये रहा आपका सिंगल रोटेटिंग मास बाय टू मासेस, ये रहे आपके दो मास, दिख रहे हैं आपको। सो ये वाले को दो मास से बैलेंस किया जा रहा है। अब ये बैलेंस हो रहा है डिफरेंट प्लेन में। अब आप बोलेंगे सर डिफरेंट प्लेन क्या चीज है, कैसे आ गया ये? तो यहां देखिए, ये जो मास m है ये इस प्लेन में है, ए वाले में। ये मास m1 दिस इज इन l प्लेन, ये मास m2 दिस इज इन m प्लेन। मतलब ये है कि ये तीनों ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं, अलग अलग प्लेन है इनका, रोटेशन रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ रोटेशन इनका तीनों का अलग अलग है। दैट इज वाई हम यहाँ पे लिखे हैं डिफरेंट प्लेन। लेकिन इसके पहले वाले एग्जाम्पल में ये देखिए, दोनों का रोटेशन का प्लेन, दोनों का रोटेशन का प्लेन वो तो एक ही है ना? आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे सेकंड वाले केस में रोटेशन का प्लेन अलग अलग है, ठीक है। सो लेट अस सी हियर, द अरेंजमेंट व्हेन टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन फॉर बैलेंसिंग गिव राइज टू अ कपल विच टेंड्स टू रॉक द शाफ्ट इन इट्स बियरिंग। अब ये कपल क्या चीज है, कैसे बन रहा है, इसको आप समझिए। देखिए, व्हेन टू फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन आर अरेंज फॉर बैलेंसिंग, जब दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो उनको हम अरेंज करते हैं, सपोज लाइक दिस, ये फोर्स एफ है, ये ऐसे लग रहा है, और शाफ्ट में इस डायरेक्शन में ऐसे दूसरा फोर्स लग रहा है, ठीक है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ये सपोज 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन, ठीक है। तो जब ऐसे हम अरेंज करेंगे जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और अपोजिट हो डायरेक्शन में, देन वी गेट अ कपल। हमको क्या मिलता है, हमें एक कपल मिलता है। सपोज अगर ये डिस्टेंस एक्स है, ठीक है, तो कपल हो जाएगा आपका फोर्स, फोर्स क्या है 10, और डिस्टेंस, डिस्टेंस है एक्स, 10x, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कपल कैसे आपको समझ में आ रहा होगा। ये कपल करेगा क्या, ध्यान से देखिए, ये कपल कर क्या रहा होगा, ये कपल ये ए वाले पॉइंट को ऊपर उठा रहा है और ये बी वाला पॉइंट जो यहाँ पे इसको नीचे झुका रहा है। मतलब ये शाफ्ट ऐसे घूमेगी, ऐसे लग रहा है इसमें कपल। उम्मीद करता हूँ आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज हाउ द कपल इज एक्टिंग हियर। तो ये करेगा क्या, शाफ्ट हमेशा सपोर्टेड रहती है बियरिंग से, बियरिंग सपोर्ट्स द शाफ्ट। तो यहाँ पे जो एंड में बियरिंग होंगे, एंड में जो बियरिंग होंगे ये उनको ब्रेक कर देगा, ठीक है, उनपे बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा बियरिंग पे। तो उम्मीद करता हूँ कपल क्या है, कैसे लग रहा है यहाँ पे, और कपल कैसे बना, क्यों बना, आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। सो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अ नाउ आगे बढ़ते हैं फटाफट, देखिए ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो हमारे पास दो केस बनते हैं इस टॉपिक में, टॉपिक में दो केस कैसे बन रहे हैं वो देखिए, आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकंड केस। इन द फर्स्ट केस व्हाट इज हैपनिंग, इन द फर्स्ट केस जिसको बैलेंस करना है वो मिड में है और जिससे बैलेंस करना है वो इसके साइड में है,
दोनों साइड, ठीक है, दोनों आजू बाजू है, ठीक है. बट इन सेकेंड केस वॉट इज हैपनिंग, ये डिस्टर्ब मास लेफ्ट साइड में है और जिससे बैलेंस करना है, बैलेंसिंग मास दोनों राइट साइड में है, दिख रहा है आपको. सो दिस इज हाउ द अरेंजमेंट मे डिफर. सो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट वी गेट टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. द फर्स्ट कंडीशन, लेट मी शो यू द फर्स्ट कंडीशन हियर फॉर दिस टू केसेस. द फर्स्ट कंडीशन इज दिस, द नेट डायनेमिक फोर्स एक्टिंग ऑन द शाफ्ट इज इक्वल टू जीरो. जितने भी नेट डायनेमिक फोर्स होंगे वो जीरो होने चाहिए. ये ध्यान से समझिए, व्हाट इज डायनेमिक फोर्स. डायनेमिक फोर्स इज द फोर्स दैट हैव चेंज. चेंज इन व्हाट? चेंज इन डायरेक्शन. मतलब सपोज यहां देखिए, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स वाज एक्टिंग लाइक दिस. नाउ व्हेन द शाफ्ट रोटेट्स तो ये बॉल यहां पे आ गया, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है. फिर ये शाफ्ट यहां पे आई, मास यहां आया, तो फिर फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया. तो यहां आप देखिए, फोर्स का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है शाफ्ट के रोटेशन के कारण. तो दैट इज वाई इस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? इस फोर्स को हम बोल रहे हैं डायनेमिक फोर्स. क्या बोल रहे हैं? डायनेमिक फोर्स. उम्मीद करता हूं डायनेमिक वर्ड यहां पे आपको क्लियर है, ठीक है. नाउ सी हियर, कौन सा फोर्स, ये कौन सा फोर्स है जो आउटवर्ड लग रहा है? हमने इसको पढ़ा है, क्या आप जानते हैं कौन सा फोर्स है जो आउटवर्ड लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एग्जैक्टली, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर कहीं पे भी दिखे आपको इस चैप्टर में, तो आप क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक डायनामिक फोर्स है जिसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, ठीक है. उम्मीद करता हूं क्लियर है. सो फर्स्ट केस में हम ये कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ द मासेस ऑफ सिस्टम मस्ट लाई ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये हमारी कंडीशन है स्टैटिक बैलेंसिंग की. फिर से एक बार इसको पढ़िए, सेंटर ऑफ मासेस ऑफ सिस्टम मतलब इसका कुछ मास है, इसका कुछ मास है, इसका कुछ मास है. सो ओवरऑल जो इसका नेट सिस्टम का मास होगा, सेंटर ऑफ मास, वो इस लाइन में रहना चाहिए, तभी तो ये बैलेंस होगा, ठीक है. उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा. दिस इज द केस ऑफ स्टैटिक बैलेंसिंग. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ लेट मी प्रोसीड फर्दर. तो यहां पे ये केस आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए. दिस इज द केस विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट. इफ यू लुक दिस फिगर फ्रॉम द साइड व्यू, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. नाउ हियर दिस इज द डिस्टर्ब मास. दिस डिस्टर्ब मास हैज टू बी बैलेंस्ड बाय द टू बैलेंसिंग मासेस. साफ साफ दिख रहा है आपको कि यहाँ पे इसका मास m है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, एंड करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस आपको यहाँ पे लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है. इन सब का प्लेन ऑफ रोटेशन अलग अलग है, वो कैसे अलग है हमने देख लिया था. नाउ फॉर द केस ऑफ स्टैटिक बैलेंसिंग, जैसे कि हमने बोला क्या होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होना चाहिए. तो देखिए यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे इक्वल होगा. सेकेंड केस क्या है पहले वो देखते हैं, बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम. सेकेंड केस एक बार देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास पे इसका हम लोग डेरिवेशन करके इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है. सी यू, सेकेंड केस इज दैट द नेट कपल ड्यू टू डायनेमिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन द शाफ्ट शुड बी जीरो. डायनेमिक फोर्सेस के कारण जो कपल क्रिएट हो रहा है दैट शुड बी जीरो. समझ रहे हैं आप? डायनेमिक फोर्स कौन था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे ऊपर लग रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे नीचे लग रहा है, तो यहां कुछ कपल फॉर्म होगा. सो जो कपल फॉर्म हो रहा है दैट शुड बी क्या होना चाहिए? वो जीरो होना चाहिए, नेट कपल, ठीक है. सो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन मस्ट बी जीरो. ये दो जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किए हैं, इनको आप याद रखिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. उम्मीद करता हूं ये क्लियर है. पहली कंडीशन अगर फुलफिल हुई तो स्टैटिक बैलेंसिंग मिलता है, बट अगर दोनों कंडीशन, फर्स्ट और सेकेंड, दोनों फुलफिल हो जाती है तो आपको मिलता है डायनामिक बैलेंसिंग, ठीक है. सो इन ऑर्डर टू गेट डायनामिक बैलेंसिंग, ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. पहला कंडीशन क्या है? सेंट्रिफ्यूगल फोर्स इक्वल होना चाहिए. दूसरी कंडीशन क्या है? सम ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट जीरो होना चाहिए. इसको हम अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. आज की क्लास में ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम लेट अस कंक्लूड दिस मच. सो लेट मी जस्ट क्विकली स्टॉप द रिकॉर्डिंग.
समवन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द अटेंडेंस एंड सेंड इट टू मी. कोई भी एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अटेंडेंस का एंड सेंड इट टू मी इन व्हाट्सएप. ओके, बाकी इतना काफी है आज के लिए. इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो.